दोस्तों इस वीडियो में मैं आप बच्चों को समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप डिमांड कर्व डेरिवेट कर सकते हो फ्रॉम प्राइस कंजम्पशन कर्व, या आप इसे प्राइस इफेक्ट भी कह सकते हो। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बच्चों के लिए रहेगा। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे कोर्सेज में काम आने वाला है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम UGC नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, स्टेट PCS और UPSC का भी, PGD इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, MA इकोनॉमिक्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं, गेट का एग्ज़ाम जो होता है, जैम का जो एग्ज़ाम होता है, तमाम तरीके के इकोनॉमिक्स के कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं। लगभग 200 से भी अधिक कोर्सेज हैं जो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग सब कुछ आपको अवेलेबल होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों अब हम बात करें कि किस तरीके से आप डिमांड कर्व को डेरिवेट कर सकते हो फ्रॉम दी PCC। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये नोट्स भी हैं, ये आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टडी मटेरियल ऑप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी वहाँ से कर सकते हो। तो बात करते हैं बच्चों प्राइस इफेक्ट की। प्राइस इफेक्ट क्या है, प्राइस इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट जो है वो डिफरेंट केसेस में हम बात करेंगे। देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। हम ये मान लेते हैं कि जो प्राइस है कमोडिटी का, हम ये सिंपल मान लेते हैं, मान लीजिए प्राइस है ऑफ एक्स वो 20 रुपीज़ है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है 20 है रुपीज़ 20। और इसी तरीके से हम ये मान लेते हैं कि जो प्राइस है ऑफ वाई का वो रुपीज़ 10 है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इनकम है कंज्यूमर की वो है ₹100। तो एक बार मैं आपको बजट लाइन बना देता हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये देखिए यहां पे मैं लिख लेता हूं एक्स गुड्स, यहां मैं लिख लेता हूं वाई गुड्स, यहां पे हम लिख लेते हैं ओ एक्स वाई। ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है जिसको कि हम LM बोल देते हैं। ये डिनोट ये कर रहा है कि कंज्यूमर जो है वो 20 रुपए के हिसाब से X की मैक्सिमम 5 गुड्स बाय कर सकता है और Y की मैक्सिमम 10 गुड्स बाय कर सकता है। अब मान लीजिए कि जो प्राइस ऑफ X है वो फॉल करता है, यानी कि एक प्राइस इफेक्ट बता रहे हैं ना हम, तो प्राइस जो है ऑफ X वो फॉल कर गया, फॉल्स फ्रॉम रुपीज 20 to 10। अब सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, इससे पहले ही हम ये मान लेते हैं कि सपोज करो ये कि मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, IC1। और इस केस में हम ये मान रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो एक्स की 3 कमोडिटी यूज कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि ज्यादा कम भी लाभ ले सकते हो, आप इसको X0 भी बोल सकते हो, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो, और इसकी वो Y0 कर रहा है, सिंपल तरीके से मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि इसके बाद कंज्यूमर का जो प्राइस ऑफ X का वो फॉल करके 20 से 10 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो बजट लाइन है ये बजट लाइन आगे की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि अब यहां पे रहने की इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये मूव करके आगे की तरफ इस तरीके से चली जाएगी। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पे तो नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही प्राइस चेंज हो गया कंज्यूमर अब पहले से ज्यादा गुड्स बाय करने की कोशिश करेगा। अब कंज्यूमर मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ले लिया, इसको हम नाम दे देते हैं बी, यानी कि कंज्यूमर हम मान लेते हैं कि 7x यूज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब प्राइस और क्वांटिटी की बात करें तो प्राइस जब 20 रुपीज था एक्स का तो वो 3 यूनिट यूज़ कर रहा था, और जब प्राइस 10 रुपये हो गया तो उसने 7 यूनिट बाय करना शुरू कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है वो 7 ही बाय करे, वो 6 भी बाय कर सकता है, वो 4 भी बाय कर सकता है, वो 7, लेकिन हमने मान लिया कि वो 7 बाय कर रहा है। अगर हम इस लाइन को जोड़ दें, इस लाइन को जोड़ दें, ए और बी को जोड़ दें, तो इसको बोलते हैं PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व, यानी कि प्राइस कंजम्पशन कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट विच चेंज ड्यू टू चेंज इन दी प्राइस, यानी कि कंज्यूमर की प्राइस में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो चेंज होता है उसी को आप बोलते हो PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो यहां पे देखिए हमने आपको PCC डेरिवेट कर दिया, और ये केस नॉर्मल गुड्स के केस है, नॉर्मल गुड्स का केस है,
नॉर्मल गुड्स का। अगर इंफीरियर गुड्स का केस क्या होता तो हम आपको बताएंगे। देखिए तीन तरह की गुड्स होती है, नॉर्मल गुड्स, गिफ्टिंग गुड्स और इंफीरियर गुड्स। मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, देखिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, याद रखिएगा कि गुड्स होती है नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स। एक होती है इंफीरियर, इंफीरियर गुड्स, और एक होती है हमारी गिफ्टिंग गुड्स। तो इन दोनों ही केसेस में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब दोनों ही केसेस में अगर प्राइस फॉल करता है तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ेगी। इसीलिए इंफीरियर गुड्स का डायग्राम आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का एक जैसा ही इफेक्ट होता है। इसलिए अलग अलग बुक्स में इसको दो बार डायग्राम नहीं बनाया गया, रिपीटेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब सेम डायग्राम नॉर्मल गुड्स का भी बना सकते हो, सेम डायग्राम इंफीरियर गुड्स का भी बना सकते हो, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी है, लेकिन कुछ नहीं। इस केस में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो आप देखोगे कि वो भी बढ़ेगी, और प्राइस के गिरने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो गिरेगी। ऐसा होता है गिफ्टिंग गुड्स के केस में। गिफ्टिंग गुड्स के केस में ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, डिटेल में समझाएंगे, जिसमें हम सेपरेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर प्राइस गिरता है नॉर्मल गुड्स के केस में तो क्वांटिटी बढ़ेगी, और गिफ्टिंग गुड्स के केस में अगर प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी गिर जाएगी। तो मैं अभी पहले नॉर्मल गुड्स का केस ही आपको पूरा समझा रहा था। अब मान लीजिए हम एक और डायग्राम बना लेते हैं जो कि डिमांड कर्व को डेरिवेट करने के लिए बनाया गया है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आपको तीन यूनिट हम यूज़ करेंगे। जब प्राइस कितना है, प्राइस इज 20 ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स। अगर प्राइस जो है 7 कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे बच्चों 7 यूज़ कर रहा है, जब प्राइस गिरकर 10 हो गया, इसका मतलब डिमांड कर्व इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ पॉइंट, यहाँ मैं बी लिख लेता हूँ। अगर आप दोनों पॉइंटों को जोड़ दोगे तो ये हमारा डिमांड कर्व बन गया, डिमांड कर्व हो गया। तो सिंपल समझने वाली बात ये है कि नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि जैसे ही एक्स गुड्स का प्राइस फॉल किया, जो क्वांटिटी ऑफ एक्स है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब डिमांड कर्व जो है वो बनेगा हमारा डाउनवर्ड। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यही सब बातें हमने आपको यहां पे भी समझाई हुई हैं, नोट्स में भी यही सब बातें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। अब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स के केस में। देखिए इंफीरियर गुड्स के केस में मैं किस तरीके का डायग्राम बनेगा, मैं आपको इंफीरियर गुड्स का केस ही बता देता हूँ। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बच्चों, सॉरी गिफ्टिंग गुड्स के केस में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो गिफ्टिंग गुड्स होती हैं उसका जो प्राइस इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो क्वांटिटी जब 10 प्राइस जब 20 रुपये था एक्स का, तो वो 3 खरीद रहा था, और जब प्राइस 10 हो गया तो वो केवल 2 ही खरीदेगा। बेसिकली आपको ये याद रखना है। इसका मतलब प्राइस इफेक्ट, प्राइस के गिरने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो गिर गई। बेसिकली गिफ्टिंग गुड्स के केस में इसी तरीके की बातें आपको याद रखनी है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं डायग्राम भी। यहां पे लिख लेते हैं गुड्स एक्स, यहां पे लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स, या गुड्स एक्स भी लिख सकते हो। यहाँ पर गुड्स वाई है, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स है, ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई, सॉरी ओ एक्स वाई ये है, ओके वाई एक्सेस। अब इनिशियल मान लीजिए हाँ ये हमारी बजट लाइन है, जिस पे कंज्यूमर मान लीजिए इसको हम एलएम बोल देते हैं, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मान लीजिए ये वाला है, इसको क्या हम ए बोल देते हैं। इसका मतलब कंज्यूमर 3 यूनिट यूज़ कर रहा है, तो ये हम यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों, कंज्यूमर 3 यूनिट यूज़ कर रहा है जब प्राइस उसका 20 है।
जब प्राइस चेन हो जाता है, यानी कि प्राइस जब गिरकर टेन हो जाता है, तो ये जो लाइन है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी। आप बच्चों को पता ही होगा ये बात तो। लेकिन इस केस में कंज्यूमर क्योंकि कम गुड्स यूज करेगा, इसीलिए आपका अगला जो इंडिफरेंस करवाएगा वो यहां पर आएगा, IC2, जिसको कि हम बी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अब पहले से कम गुड्स यूज कर रहा है जो कि दो गुड्स यूज कर रहा है। इसका मतलब जब प्राइस 2 10 हो गया तो कंज्यूमर 2 गुड्स का यूज कर रहा है। इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। अगर आप दोनों इंडिफरेंस कर्व को जोड़ दोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के दोनों इंडिफरेंस कर्व को जोड़ दोगे, ऐसे जोड़ दो आप एक सीधी लाइन से, तो ये कहलाती है पीसीसी, प्राइस कंजम्पशन कर्व। और अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये कहलाएगा डिमांड कर्व। तो बच्चों यही सारी बातें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, यानी कि यही सारी बातें हमने नोट्स के थ्रू भी आप बच्चों को बताई हुई हैं, और यही सारी बातें हमने आपको समझाने की भी कोशिश की है कि किस तरीके से हमारा नॉर्मल गुड्स से केस में डिमांड कर्व डेरिवेट होता है। प्राइस इफेक्ट क्या है वो भी हमने आपको समझाया। प्राइस इफेक्ट का मतलब है प्राइस के गिरने से क्वांटिटी डिमांड पर जो असर पड़ा उसे प्राइस इफेक्ट कहते हैं। पीसीसी क्या होता है, प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, कि प्राइस के गिरने से जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर असर पड़ा उन सभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप जोड़ दोगे तो वो पीसीसी कहलाएगा। और पीसीसी से किस तरीके से डिमांड कर्व डेरिवेट होता है वो भी हमने आपको समझाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।